समप्रभा निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो नमः। मम नाम प्रांजलि अस्ति। अहम् सप्तायां कक्षायां पठामि। अहम् संस्कृतं पठामि। मयम् संस्कृतं रोचते। मम विद्यालयस्य नाम आर्मी पब्लिक विद्यालय अस्ति। अदा अहम् द्वम श्लोक पठितुम् इच्छामि। इदं श्लोकं श्रीमद् भगवद्गीता नामक ग्रंथे उद्धृतम् अस्ति। श्लोकोच्चारण। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्म मूल्ये सरस्वती कर्मध्ये तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम्। गंगे चे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मे सिनधि कुरु। मेरे पहले श्लोक का अर्थ यह था कि स्वयं लक्ष्मी जी व सरस्वती जी का वास हमारे हाथों में होता है। साथ ही हम काम भी हाथों से ही करते हैं, इसलिए हमारे हाथों से जो भी काम हो वो अच्छा हो। काम करने से ही भगवान प्राप्त होते हैं, इसलिए यह श्लोक हमें रोज सुबह उठकर हमारे हाथों को देखते हुए बोलना चाहिए, ताकि हमें हौसला मिलता रहे पूरे दिन अच्छे काम करने का। मेरे दूसरे श्लोक का अर्थ कुछ था कि ग्रंथों में भी लिखा गया है कि हमारी नदियाँ देवियों का स्वरूप है, इसलिए उन तमाम देवियों का धन्यवाद करते हुए हमें यह श्लोक स्नान करते हुए अर्थात नहाते हुए बोलना चाहिए। धन्यवाद।